वीडियो एडिटिंग जो कि आजकल सभी सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक सिंपल वीडियो एडिट कर सकते हैं, और मैं इसके लिए VN एप्लीकेशन यूज करने वाला हूँ, तो आप भी VN एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऐप है, आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और मैं आपको एक अपनी वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ। और आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, आपको सारे स्टेप समझ आ जाएंगे कि कैसे आप अपनी एक वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आप VN एप्लीकेशन में एडिटिंग सीख जाएंगे और इसके टर्म्स वगैरह समझ जाएंगे, तो आप किसी भी एप्लीकेशन में एडिट कर सकते हैं। इट्स लाइक मैथमेटिक्स फॉर्मूला। अगर आप कोई भी फॉर्मूला याद कर लेते हैं किसी भी बुक से, तो आप किसी भी बुक से सेम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे ही सेम एडिटिंग भी है। अगर आप किसी एप्लीकेशन में एडिटिंग सीख जाते हैं, टर्म्स वगैरह सीख जाते हैं, स्प्लिट क्या होता है, क्रोमा की क्या होता है, फिर उसके बाद की फ्रेमिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे, तो आप कोई भी एप्लीकेशन में वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ VN एप्लीकेशन, जिसको यूज करके मैं अपनी एक वीडियो को एडिट करूंगा। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। इंस्टॉल करने बाद इसको आपको सिंपली ओपन करना है, और ओपन करने के बाद नीचे आपको एक प्लस वाला आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं, एक वीडियो को एडिट करना चाहते हैं या दो वीडियो एडिट करना चाहते हैं, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है, और इसके बाद ये वीडियो आपके टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आपको ढेर सारे इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, और स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें इसमें स्पीड का कोई काम नहीं है, अगर आपको जरूरत है स्पीड घटाने बढ़ाने की तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे इस वीडियो में कट लगाने हैं, कि अगर आप एक वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी जगह आपसे गलतियां हो जाती हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे आपको कट लगाना है वहाँ पे स्लाइड करके आपको पहुंच जाना है। फिर उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्प्लिट का, वहां से आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, और आपकी वीडियो दो पार्ट में ये स्प्लिट हो जाएगी। फिर आपने जहां तक गलती किया है वहां तक आपको पहुंच जाना है, लास्ट इंड तक। उसके बाद वहां पे भी एक कट लगाना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है, फिर बीच का पार्ट आपका पूरे वीडियो से अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं, और आपका जो स्टार्टिंग का पार्ट था और लास्ट का पार्ट था आपस में मर्ज हो जाएंगे, और बीच का जो बेकार पार्ट था वो डिलीट हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप पूरे वीडियो में ऐसे ऐसे कट्स लगा सकते हैं जहाँ जहाँ आपने गलती की है, फिर आपका वीडियो एक फुल इंफॉर्मेटिव बन जाएगा विदाउट एनी इशूज। फिर उसके बाद आता है कि अगर आप बहुत सारी चीजें बोल रहे हो, ऊपर से आपको लेयर ऐड करना है, जैसे कोई फोटो दिखाना है या कोई वीडियो दिखाना है, तो आप कैसे इसको कर सकते हैं। फिर जस्ट टाइमलाइन के ऊपर आपको दिख रहा होगा PIP और स्टिकर्स, मतलब आप ओवर लेयर ऐड कर सकते हैं, या बहुत सारे एप्लीकेशन में लिखा होता है लेयर। फिर उस पर आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक वीडियो फोटो, फिर उसके बाद स्टिकर्स। तो हमें वीडियो या फोटो ऐड करना है, तो सिंपली हमें वीडियो और फोटो पे क्लिक कर लेना है। तो अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप वीडियो पे रहिए, अगर आपको फोटो ऐड करना है तो आप फोटो पे चले जाइए। फिर उसके बाद मान लीजिए मुझे MI का लोगो ऐड करना है, तो मैं यहाँ से MI के लोगो क्लिक करूंगा, फिर जहाँ पे मुझे ये MI का लोगो एडजस्ट करना है वहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा। फिर इसके बाद आपको इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मोशन का, मोशन का ऑप्शन ये है कि आप जो MI का लोगो है वो आपके वीडियो में एंट्री कैसे करेगा, इस पर क्लिक करके आप सिंपली इसको इन एनिमेशन लगा सकते हैं कि कैसे वीडियो में ये आएगा। तो मैं फेड लगा देता हूँ, फिर उसके बाद स्केल लगा देता हूँ, फिर स्पिन, बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाते हैं। फिर आउट एनिमेशन, मतलब ये जब वीडियो के लास्ट में खत्म होगा तो कैसे ये खत्म होगा, यहाँ से आप इसको भी लगा सकते हैं। फिर लूप एनिमेशन होता है कि पूरे इंटायर वीडियो में जब तक ये आपने ये लेयर ऐड किया है कि कैसा रहेगा, जैसे आप जिटरी इसको बना सकते हैं या ब्लिंक किस बना सकते हैं, ऐसे आप करके जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको की फ्रेम का, की फ्रेम का मतलब होता है कि आप अपनी वीडियो को छोटा छोटा करके आप जो भी मोशन कराना चाहें उसको आप करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और मुझे ऐसा ही यहाँ पे सेम रखना है। फिर उसके जस्ट बाद मैं चाहता हूँ कि वो ये लोगो ऊपर चला जाए, तो मैं इसको सिंपली ऊपर कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ फिर उसके बाद ये नीचे आ जाए, तो मैं इसको ऐसे नीचे कर देता हूँ। फिर उसके बाद लेफ्ट चला जाए, राइट चला जाए, ऐसे करके आप की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। और ये चला के मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे ये लेफ्ट राइट वगैरह सब हो रहा है, ऐसे आप अपने हिसाब से जैसा आपको जरूरत हो वैसे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कर्व या डुप्लीकेट, ये तो आप समझ ही गए होंगे, डुप्लीकेट अगर आपको सेम चीज कहीं और लगानी है तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टेक्स्ट ऐड करना, अगर आपकी वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे आप कुछ बोल रहे हो उसको आप नीचे लिखना चाहते हैं सबटाइटल में, फिर उसके जस्ट ऊपर आपको लिखा मिलता है टैब टू ऐड सबटाइटल, और टी का साइन बना के प्लस लिखा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ से आपको ढेर सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, आपको जो फॉन्ट पसंद आया उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। पहला ये ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको आप एडिट कर सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं। और इसके बाद इसका आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं,
इसका फॉन्ट चेंज करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, इसका साइज घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपली आपको अपने हाथ से मूव करके इसको घटा बढ़ा लेना है, और आप जहां इसको लगाना चाहते हैं आप अपने हाथ से मूव करा के इसको लगा सकते हैं। इसमें भी आपको की फ्रेम मिलता है, आप भी इसको लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे जहां मर्जी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर अपनी वीडियो में म्यूजिक ऐड करना है तो ऊपर आपको सिंपली सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा टैप टू ऐड म्यूजिक, यहां से आपको क्लिक करना है, फिर म्यूजिक पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद माई म्यूजिक में चले जाना है। अगर आप पहले से म्यूजिक डाउनलोड करके रखे हैं तो इसमें आपको आपका वो म्यूजिक दिख जाएगा और सिंपली आपको उस म्यूजिक को यहाँ पे यूज पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद इसका वॉइस 100% रहता है। तो जो आपने वीडियो में बताया सुनाई नहीं देगा अच्छे से, इसके लिए आपको इसका वॉल्यूम पहले ही कम कर लेना है, जैसे आपको इसका 10 से वॉल्यूम नीचे कर देना है, तो ये वीडियो में आपके बजता भी रहेगा और आपकी वीडियो में आपकी वॉइस भी आती रहेगी, तो ये काफी अच्छा फीचर है। तो इस प्रकार से आप इसमें म्यूजिक लगा सकते हैं। तो अगर आपको इसका 100% वॉइस चाहिए तो इस पर क्लिक करके आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करके अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। आपको 100% चाहिए, 50% चाहिए, 10% चाहिए, आपको जितना चाहिए आप यहाँ से सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्पीड का ऑप्शन, अगर आपको किसी लेयर का या वीडियो का स्पीड बनाना है तो सिंपली स्पीड पर क्लिक करके आप यहाँ से रेगुलर पे जाके स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन आता है, अगर आपको कोई लेयर क्रॉप करना है, जैसे आपने कोई फोटो ऐड किया उसको क्रॉप करना चाहते हैं या अपनी वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्रॉप पे क्लिक करके अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन रोटेट का, अगर आपकी वीडियो को आप चाहते हैं रोटेट कराना लेफ्ट या राइट या मिरर करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन मिलता है जूम का, इस पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो को जूम कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं, इसका ज्यादा यूज होता नहीं है बट आपको अगर आपको जरूरत हो तो आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी वीडियो से उसका साउंड निकालना तो उस वीडियो को ऐड करके और सिंपली आपको क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे और आपका ऑडियो उस वीडियो से रिमूव हो जाएगा और आप इसको जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन मिलता है रिवर्स का, इस पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब आप अगर चल रहे हैं तो आप उल्टा चलने लगेंगे और अगर आप किसी सामान को नीचे गिराते हैं तो आपका सामान ऊपर उठता दिखेगा, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन मिलता है फ्रीज का, अगर आप कोई क्लिप फ्रीज करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ फ्रीज करना है तो इस पर क्लिक करके आप उस क्लिप को फ्रीज कर सकते हैं, मतलब वीडियो में ये क्लिप जैसे ये मैं फ्रीज हूँ इस टाइम, ऐसे फ्रीज कर सकते हैं आप उसको भी। लास्ट में ऑप्शन मिलता है फॉरवर्ड का, अगर आप अपनी टाइमलाइन पे कोई वीडियो ऐड किए उसको आपको लेयर वाले ऑप्शन पे भेजना है तो यहाँ से आप सिंपली उसको फॉरवर्ड पे क्लिक कर दीजिए, वो लेयर वाले ऑप्शन पे चला जाएगा, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और जहाँ आपको लगाना है उसको आप लगा सकते हैं। फिर टाइमलाइन पे क्लिक करके आप इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसका भी की फ्रेम वगैरह ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आपका पूरा वीडियो एडिट हो जाता है। और अगर आपको अपनी वॉइस कम लग रही है तो आपको टाइमलाइन पे क्लिक करके अपनी वॉइस को 100% से ज्यादा कर दें, तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये सारे फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे और इस तरीके से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो काफी सिंपल है ये एप्लीकेशन और यही सेम फीचर सभी एप्लीकेशन में होता है, अगर आप एक एप्लीकेशन को सीख जाते हैं तो आप किसी भी एप्लीकेशन में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली ऊपर एक सेंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वो एक्चुअली एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, जैसे आपको 4K वीडियो चाहिए, 1080p वीडियो चाहिए, यहाँ से आपको 30fps पे वीडियो एक्सपोर्ट करना है या 60fps पे वीडियो एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से आप उसको भी चूज कर सकते हैं और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी। अगर आपकी वीडियो काफी बड़ी है तो कुछ आपको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देने के बाद आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी और सीधा वो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। इसके बाद उसको आप रील्स पे अपलोड कर सकते हैं, अगर आपने रील्स एडिट किया है, अगर आपने यूट्यूब वीडियो एडिट किया है तो आप यूट्यूब पे इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अपनी सिंपल वीडियो को एडिट कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा कि आप अपनी वीडियो को कैसे सिंपल तरीके से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सिंपल टर्म्स समझ आ गए होंगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है टॉप 5 एप्लीकेशन का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो एडिटिंग समझ आ गया होगा और आप एक अपनी अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको किसी और टेक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।